नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो सेशन साथियों स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये आया आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पीएच रेंज है जिस पर मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोटोजोआ शो करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, वो ऑप्शन आपका होगा सी। तो वैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आपको लर्निंग वाला क्वेश्चन आपको ये मिल गया। 6 to 8 पीएच पर जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आया आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है, वो प्रोटोजोआ जो ईट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, उसको क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या, होलोजोइक। ठीक है, तो होलोजोइक का जो एक बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अब जैसे कि आप जानते होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो इनगेशन हो गई, दूसरी डाइजेशन हो गई, तीसरी स्टेज कौन सी हो गई, एसिमिलेशन हो गई, एसिमिलेशन हो गई। फोर्थ स्टेज कौन सी हो गई, ईगेशन हो गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आपका जो आंसर है वो कौन सा राइट हो जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन का हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए प्रोटोजोआ के लिए जिसपे वो सर्वाइव कर जाए। तो वैसे जो नॉर्मल होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे तो सर्वाइव करते ही है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से 45 वाला, तो 45 अपने पास है नहीं, तो आप टिक कहां पे करोगे, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फोर की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रोटोजोआ अटैच हो जाए, कहां पे अटैच हो जाए, होस्ट की बॉडी पर। तो बॉडी का मतलब यहां पे एक सीधा सा मतलब समझ पा रहे हो आप कि बॉडी की सरफेस पर अटैच हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, एक्टो, क्योंकि एक्टोमीन क्या होता है, कोई बाहरी सतह होगी तो उसको बोलेंगे एक्टो। अब क्योंकि अटैचमेंट की बात हो रही है, अटैचमेंट कैसा है, टेम्परेरी है, तो क्या बोल दिया, कमेंसलिज्म बोल दिया, राइट। अच्छा साथियों, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ फ्लैजुलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ फ्लैजुलेट्स होते हैं प्रोटोजोआ में जो पाए जाते हैं कहाँ पर, गट के अंदर पाए जाते हैं, आहार नाल के अंदर पाए जाते हैं, वो भी किसके अंदर, टर्माइट के अंदर। टर्माइट को हिंदी की लैंग्वेज में बोलते हैं दीमक, और आपको शायद मालूम होगा या आप जानते ही होंगे कि दीमक का जो फूड होता है वो क्या होता है, वुड होता है, और इस वुड का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान काम तो है नहीं, तो नेचर ने क्या किया, इस दीमक का टर्माइट का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बना दिया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताना है, ट्रू है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि आखिरकार वो प्रोटोजोन है कौन सा, तो आपको हम यहां पर लिखे देते हैं ट्राइको निम्फा। तो ट्राइको निम्फा इज अ फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन दैट फाउंड विद इन द गट ऑफ द टर्माइट, जो दीमक की आहार नाल के अंदर पाया जाता है और क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया आपकी स्क्रीन पर। तो क्या बोला जा रहा है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होगी, बैक्टीरिया से होगी, फंजाई से होगी, प्रोटोजोआ से होगी, या फिर वायरस होगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, राइट। हाँ साथियों, इस सेशन में हम ये भी आपको बताना चाहते हैं, अगर इन क्वेश्चंस के जो और ऑप्शंस हैं, ठीक है, या आपके माइंड में कुछ और आइडिया आ रहा हो या कोई डाउट आ रहा हो, ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है साथियों, नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। अपने पास चार ऑप्शन है जिसमें पहले में क्या बोला जा रहा है, ये कनेक्ट एक लिंक की तरह से काम करता है फूड चेन के अंदर, तो फूड चेन में तो हम लोगों ने प्रोटोजोआ वाला कहीं ऐसा कुछ सुना ही नहीं। बी वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर कर रहा है फूड प्रोडक्ट का, तो फूड प्रोडक्ट तो प्रोटोजोआ बनाता नहीं, क्योंकि प्रोटोजोआ के केस में स्पेशली कौन कौन आते हैं, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक। तो क्या ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वाले होते हैं जिसमें हम लोगों ने कह दिया कि ठीक है भाई अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, युगलीना है, ठीक है, या फिर कह दिया जाए ट्रापैनोसोमा है, तो फूड प्रोडक्ट तो ये तो खुद ही डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो आपको याद करके रखना है कि फूड प्रोडक्ट नहीं बनाते, ठीक है। हाँ, लेकिन कई कई ऐसे केस में क्या होता है, ये लिंक करते हैं फूड चेन को, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करो, अब है तो ये वैसे प्रोटोजोन ही, यूनिसेल्ड एल्गा है, वैसे ये क्या है, फोटोसिंथेटिक एल्गी है, और इसको प्रोटोजोन की कैटेगरी में रख सकते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है, ऐसा कहीं कहीं पे दिया हो, वैसे इस पे एक्सेप्शंस बहुत है, फिलहाल आप एक्सेप्शन पे नहीं जाओ, आप सीधा सा आंसर पर टिक लगाओ, याद करके रखिए कि ये कोई फूड प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो ये फंक्शन प्रोटोजोन का नहीं होता है। चले, तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एन एरोबिक प्रोटोजोआ कौन सा है, तो आपको याद करके रखना है वर्टिसिला, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आया आपकी स्क्रीन पर। अब इस पे क्या बोला जा रहा है कि साथियों, रेड स्नो तो वाइट कलर की होती है, रेड क्यों बोली जा रही है, इसका मतलब कुछ ना कोई फैक्टर तो होगा ना, और ये रेड स्नो हाई एटीट्यूड पर एल्टीट्यूड होना चाहिए था, मतलब अधिक ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड पर जो स्नो है उसका कलर रेड हो गया, तो वो किसकी वजह से हो गया, किसकी प्रेजेंस की वजह से हो गया, तो वैसे प्रोटोजोन का ही सेशन चल रहा है तो प्रोटोजोआ होगा, ठीक है। लेकिन वैसे कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे एल्गी रेडनेस क्रिएट करते हैं, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दो हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है। वैसे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फ्लैजेलेट्स और प्रोटोजोन विच आर कंसीडर एज अ एल्गी बाय सम बायोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी भी सही कर सकते हो और सी भी सही कर सकते हो। वैसे यहाँ पे बी लिखा गया है, लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आए तो आप बी और सी दोनों पे, बोथ बी और सी पे टिक करोगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, कोई पैरासाइट प्रोटोजोआ किसी दूसरे प्रोटोजोआ पर पैरासाइट के तरीके से रह रहा है, पैरासाइट पे पैरासाइट, तो इसको क्या बोलोगे, हाइपर पैरासिटिज्म बोलेंगे। तो इस तरीके से आपके इस सेशन के सभी क्वेश्चंस एंड होते हैं, ठीक है ना, सभी क्वेश्चंस एंड होते हैं, और इन क्वेश्चंस की समाप्ति के साथ साथ मैं आपको, ठीक है, मैं आपको बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखिए, कई बार रिपीट करके देखिए, जब आप कई बार रिपीट करके देखोगे तो आप के माइंड में क्वेश्चंस के ऑप्शन के करेक्ट आंसर फिट हो जाएंगे, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं अंत में कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, आपको ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आएंगे, और ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफल होने के लिए हेल्प करेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।